चलिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल आर गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हालांकि 10 मिनट तो हमारा वैसे ही हो जाता है। चलिए आज मैं थोड़ा सा बता दूं, लेक्चर नंबर 3030 है, ठीक है। चैप्टर हमारा क्या चल रहा था? इक्वेशन का। गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून मयंक पंडित, ठीक है जी। टॉपिक हमारा सिंपल प्रॉब्लम था जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम हमारा चल रहा था जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्सरसाइज की बात करें तो दो एक्सरसाइज हमारी हो चुकी थी, बी और ई। आज बात करेंगे किसकी एक्सरसाइज की? एच की। और एच के बाद बात करने के बाद एक थर्ड टॉपिक और स्टार्ट करेंगे जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे। आज नाराज हैं क्या? कैमरा बंद कर रखा है सबने? अरे नो बेटा कैमरा ऑन रख लिया करो, ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और कोई बात नहीं है। चलें स्टार्ट करें आज की क्लास। सर आप वही पकाने वाले हो हमें? मैंने कहा हाँ, बिना पकाए तो बात ही नहीं बनेगी। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन रीड करता हूँ, फिर मैं आपके साथ बात करूंगा। एक्सरसाइज आईसीआई की एच, हालांकि कुछ बच्चों ने कर ली होगी बट कोई बात नहीं, दोबारा कर लो, ये तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेहनत है, मेहनत कभी बेकार थोड़ा ना जाती है। कहता है द सम ऑफ टू नंबर, कह रहा किन्हीं दो नंबर का सम जो है 8 है और फिर उनका स्क्वायर जो है 34 आना चाहिए। यानी यहां पर दो बातें आपसे बोली, दो बातें क्या कहें सर? मैं आता हूं स्क्रीन पर, ये लो मैं स्क्रीन पे आ गया। आज मैंने नया रजिस्टर लिया है, गंदी राइटिंग भी आएगी और अच्छी भी आएगी, ठीक है जी। चलिए जी, एक्सरसाइज हमारी है कौन सी? एच, ठीक है जी। और क्वेश्चन कौन सा है हमारा? क्वेश्चन भी है हमारा 1। कहता है कोई दो नंबर हैं, दो नंबर आप मान लो एक्स प्लस सम, सम का मतलब क्या है? एक्स प्लस वाई, कह रहा 8 होना चाहिए, ये तो पहली कंडीशन। सर दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन सॉरी बेटा, फोन उठा के मैंने बोल दिया, नहीं तो बसता रहता। ऑप्शन नंबर सी कृतिका, वेरी वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद कहता है कि उनके सम का स्क्वायर, सम का स्क्वायर कितना है हमें नहीं पता, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कितना आना चाहिए जी? 34। हालांकि बच्चों ने ऑप्शन सी दिया है, मैं डायरेक्ट सी ही रखने वाला हूं यहाँ पर। सबसे पहले सी, सी में है 3 और 5, 3 प्लस 5 क्या सर 8 आता है? आंसर इज यस, 8 आता है, पर इनका स्क्वायर कितना आना चाहिए? 34। कहता है 3 3 9, 5 5 25, क्या ये दोनों आते? मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया, क्या ये आते हैं? हाँ जी सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को, ठीक है जी। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। कहता है द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है पॉजिटिव नंबर, कह रहा है दो पॉजिटिव नंबर है उनका डिफरेंस क्या है? 3 है, और उनका, अरे सेम तो क्वेश्चन है, कह रहा है उनका सम का स्क्वायर 89 आना चाहिए। लेकिन आगे भी कह रहा है टेकिंग, कहता है टेकिंग स्मॉलर इंटीजर एज अ एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व कर दो इंटीजर, कह रहा नंबर बता दो। अरे सिंपल बोल दो ना, क्यों इतना बच्चों को घुमाते हो, सिंपल बोल दो भैया। ये लो मैं इक्वेशन बनाता हूँ आपके सामने आके, ये लो जी क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है बाबू सेम। कहता है कोई दो नंबर है एक्स और वाई, हमें नहीं पता उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस है जी 3। और दूसरी इक्वेशन है, कह रहा है एक्स का क्यूब कर दो और वाई का भी क्यूब कर दो, क्यूब नहीं सर स्क्वायर कर दो, और कितना आना चाहिए? 89। बस फालतू में स्मॉल और लार्ज में कंफ्यूज करें, कह रहा है स्मॉलर जो है, स्मॉल किसको लेना है? आपको सिर्फ इतना बोला है स्मॉल लेना है एक्स को, ठीक है जी। हाला, अरे भाई साहब आराम से, मुंबई में बोलते हैं रुकने को थांबा, थोड़ा थांबा, मेरे को सॉल्व करने दो। क्वेश्चन नंबर बच्चे बता रहे हैं बी, ठीक है ना, बी। बी में कितने पार्ट हैं? 5 और 8, और आपको कह रहा है स्मॉलर इंटीजर एज अ एक्स, तो चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्मॉल कौन सा है हमारा? एक्स स्मॉल है और ये वाई, ठीक है जी। तो आप करो, क्या 3 आता है क्या? सर यस 3 आ गया। उसके बाद इनका स्क्वायर देखो, इसका स्क्वायर, अरे सर 5 है इधर, 5 है बेटा इधर, ठीक है। और इनका देखते हैं कितना आना चाहिए, 89।
8 8 64 होता है 25, 64 प्लस 25 इज इक्वल टू 89। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बच्चे आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री सर दिखाओ तो क्वेश्चन नंबर थ्री। चलिए जी क्वेश्चन नंबर थ्री बच्चे। हाँ जी सर, एक मिनट आप स्क्रीन बैक करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे जी, ये लो। इसमें एक बात बताइए, जब x plus y is equal to 3 लेना हमें, जी x minus y, sorry, x minus y is equal to 3, तो हम 5 minus 8 करेंगे तो minus 3 नहीं आएगा वहाँ पे? बाबू इसीलिए तो बोला हुआ है x को जो है छोटा मानना है, x को लिखा हुआ है x को जो है छोटा मानना है। देखो ध्यान से, x minus y में वैल्यू करेंगे तो x हमारा 5 होगा, तो x minus y था ना हमारा, तो 5 minus 8 होगा वहाँ पे। आप ये कहना चाहते हो सर, इसको आपने x लिया या y, मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या क्वेश्चन में? बताओ, ये लो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये लो चेंज कर दिया मैंने इसको, y माइनस x, क्योंकि x जो है बोला है क्वेश्चन में, बोला है। ठीक है जी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन ये करने के चक्कर में कई बार ऐसे भी सिचुएशन आती है, बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि x को छोटा मानना है, तो मैंने y को मान लिया, तब भी कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, y आ गया माइनस दिस, तो ये आ गया। ठीक है, हो गया डाउट दूर? ओके सर। ओके जी, चलिए जी मैं आपको क्वेश्चन नंबर, कोई दिक्कत नहीं बाबू, डाउट पूछा करो, अच्छा लगता है, इससे ये पता लगता है कि बच्चों की इंटेंशन है, वरना कई बार तो मुझे ऐसा लगता है क्या फायदा ऐसी पढ़ाई करने का, मैं ही सॉल्व करता रहता हूँ, बच्चे तो सोते रहते हैं बैठ के। चलो जी क्वेश्चन नंबर थ्री, कहता है 5 times ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, 5 टाइम कोई नंबर है, हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है, वो नंबर है x, कह रहा है 5 times कर दो उसको, ठीक है सर 5 से गुना कर देंगे, और उसको कह रहा है लेस देन द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ द नंबर, इस कह रहा नंबर बता दो आप क्या है। मैं एक बार स्क्रीन पे आता हूँ फिर आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन देखो जी, कहता है कह रहा 5 times ऑफ पॉजिटिव होल नंबर, कह रहा ये मेरे को होल नंबर कितना है मुझे नहीं पता कितना है, कह रहा उसको 5 times कर दो, और कहता वो कम होगा कितना, लेस देन ट्वाइस, मतलब कोई नंबर है ट्वाइस उसके स्क्वायर का, कह रहा ये कम होगा, अगर मैं इसमें प्लस कर दूं 3 तो इनके इक्वल आ जाएगा क्या, बताओ जी। बच्चों ने आंसर दे दिया है, मैं तो बिना बात के पंगे ले रहा हूं। ठीक है, पहले मेरे को ये बताओ इक्वेशन क्लियर है, बोलते नहीं हो, सारे बच्चे सो गए बाहर? ओके चलिए कोई बात नहीं, बच्चों ने ऑप्शन दे दिया है, बेटा बोलते रहा करो, जैसे कहावत है ना जागते रहो, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ बोलते रहो। ये आपका कितना आएगा, 15 plus 3 = 2, 3 का स्क्वायर देखो 18 आता है क्या, 9 आ गया, 3 3 9 इंटू में 2, तो 18 = 18। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बोलो, एक बार लैंग्वेज समझा दो फिर से। ओके जी मैं क्वेश्चन लेके आता हूं, बाबू लैंग्वेज क्या कहती है, 5 times ऑफ पॉजिटिव नंबर, अब पहले तो यहीं रुक जाओ, 5 times ऑफ पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या है, कह रहा कोई नंबर है x उसका 5 times आप कर दो, पहले तो मैंने कोई नंबर लिया x उसका 5 times मतलब 5x, इतनी चीज क्लियर है? हाँ सर इतनी चीज तो हमें क्लियर है। कह रहा है इज लेस देन, कह रहा है वो कम है किससे, कह रहा ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, कह रहा जो भी आपका नंबर है ना, यानी नंबर का स्क्वायर कर दो और उसका फिर 2 से गुणा कर दो, कह रहा कम है कितना, कौन सा 5x, अगर मैं उसमें ऐड कर दूंगा तो इक्वल आ जाएगा क्या, बोलो। एक बार मैं कॉपी पे आता हूँ फिर थोड़ा सा और बताता हूँ आपको, ये लो मैं बेटा ये कॉपी पे आ गया। पहली बात तो ये कहता है कि आप यहां ध्यान दो थोड़ा सा, कहता है ये 5x ना कम है 3 से किसके, अगर ये कम है, अगर मैं इसमें प्लस कर दूं तो ये दोनों तभी तो इक्वल होंगे, ये कम है, कम 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 कम, बोलो जी कृतिका जी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ने का और इतनी प्रैक्टिस करने का, हालांकि मैंने बोला कि यहीं से छपा छपाया आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए जी मैं आपको आगे लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर
द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है देखेंगे, कहता है फिल्ड करते हैं वो 2000 स्क्वायर मीटर, और पेरीमीटर क्या होता है 180, और बाकी की बेटा आगे लाइन काट दो, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कहां तक काटना है, यहां तक काटना है, फाइंड द लेंथ और ब्रेथ तक, फाइंड से पहले के वर्ड काट देना क्योंकि ये मिसप्रिंटिंग हो गई है। क्या बात है राधा, आंसर भी दे दिया, बहुत बढ़िया बाबू, यहां तक काट देना पेरीमीटर 180 के बाद से लेकर फाइंड तक, फाइंड वर्ड को छोड़ देना, बाकी पूरी लाइन कट कर दो क्योंकि वो मिसप्रिंटिंग हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन दोबारा से पढ़ के। सबसे पहले सर रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है जी रेक्टेंगल, इसके अंदर का एरिया क्या है, अंदर का एरिया है 2000 स्क्वायर फीट। ठीक है, और ये आपको अच्छी तरह से पता, लेंथ ब्रेथ होता है इक्वल टू 2000, और फिर आपका पेरीमीटर क्या होता है, मैंने बताया था बाउंड्री, इससे पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, सर दिखाई नहीं दे रहा, ये लो ये है हमारी बाउंड्री, मतलब लेंथ की बाउंड्री और ब्रेथ की बाउंड्री। अरे वाह विशाखा, वेरी गुड, कहता है ये मेरी जो है ये टू लेंथ प्लस टू ब्रेथ। ठीक है जी, ये मान लो ये भी लेंथ हो गई, ये भी लेंथ हो गई, ये भी ब्रेथ हो गई, ये भी ब्रेथ हो गई, तो दोनों का जोड़ इन सब का क्या दे रखा है 180। हालांकि ऑप्शन दे दिया है 50 और 40, तो मैं डायरेक्ट 50 और 40 ही रखता हूं। चलो जी देखते हैं 50 और 40 काम करता है या नहीं। 2 50 2 40, ठीक है जी, तो ये आपकी लेंथ आ गई 100 और 80, 180 आता है क्या? हाँ सर 180 आता है, लेकिन इसका एक और तरीका है देखने का क्या हमारा आंसर सही है, लेंथ और ब्रेथ कितना, 80 आएगा ना, लेंथ और ब्रेथ बताओ भाई 2000। एक मिनट सर, आपने डबल डबल कर दी। ठीक है, लेंथ मेरी कितनी है 50 और ब्रेथ मेरी कितनी है 40, ये आएगा आपका 2000। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बच्चों ने आंसर दे दिया है 5 का सी। थांबा बेटा थांबा थोड़ा सा, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं चलूं, किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो मुझे रोक सकता है। विशाखा वेरी गुड, मैं बच्चों को पहले क्वेश्चन दिखा दूं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है टू स्क्वायर साइड, दो स्क्वायर साइड है किसकी, पी की, और उनकी पी प्लस वन की, कहता है वो कितना आना चाहिए। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लो जी मैं दोबारा से रीड करता हूं, कहता है टू स्क्वायर हैव साइड ऑफ पी सेंटीमीटर, पी सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, और क्या है इसका पी प्लस का स्क्वायर, ठीक है, और कह रहा है इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, कहता है 625 आना चाहिए। बच्चों ने मुझे क्या आंसर भेजा है मैं वही रखता हूं, 15 और 20। चलो जी ऑप्शन नंबर सी 15 रखता हूं, क्या आता है क्या प्लस में 20, 625 आता है क्या, देखते हैं 15 × 15 225। अरे वाह ये तो वाक्य में आता है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलो, बोलो बच्चों बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बोलो। मयंक पंडित यस, जन्नत यस, बाकी बच्चे सो गए, विशाखा ने आंसर दे दिया वेरी गुड, ध्रुव ऋतु राधा श्याम, स्वयं नाम है मैं पढ़ नहीं पा रहा, मतलब प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पा रहा। ओके चलिए गुड, मैं आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लो जी लो, साथ के साथ करते चलो, एक नंबर जेब में करते चलो, 5 कॉन्सेप्ट 5 नंबर। जो बच्चा ये सोच रहा है बेटा मेहनत से नंबर लाने पड़ते हैं, ठीक है, कड़ी मेहनत, उसके बाद कहता है डिवाइड 50 × 2 पार्ट्स, ठीक है 50 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो और उनके सम का रेसिप्रोकल एक बटा 12,
बोलो बोलो। अच्छा बच्चों ने आंसर भी दे दिए हैं, अरे वाह, डी है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं कह रहे पहले तो इक्वेशन बता दूं। कहता दो पार्ट है, उसका सम जो है 50 आना चाहिए, और इन्हीं का ही रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कितना आना चाहिए, 1/12। बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया है 6 का डी, तो मैं 20 और 30 रखने वाला हूँ डी। पहली कंडीशन, क्या सर 50 आता है? आंसर इज यस, 50 आता है सर। उसके बाद इनका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करो जी करो। 630 + 20 = 50 / 600, 5 बन जा 5 या 15 बन जा 15, 15 12 जा, एक बार मैं करके देख लूं जरा ना, 600 / 5। हाँ जी ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 बन जा 5, 5 16 कितना होता है, 5 12 जा 6 0 60। ठीक है जी राधा, वेरी वेरी गुड। सबसे टॉप पर जो बच्चा चल रहा है राधा भावेश, राधा भावेश, जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है जी। देखिए किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम, भावेश एक स्टेप और आगे। भाई मुझे भी सॉल्व करने दो, मेरे को सॉल्व करने के पैसे मिलने वाले हैं और आपको सॉल्व करने के नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है देयर आर टू कंसिक्यूटिव नंबर्स। अभी कंसिक्यूटिव क्या होता है देखेंगे, कह रहा उन दोनों का डिफरेंसेस, सच डिफरेंसेस ऑफ द रेसिप्रोकल 1/40। कह रहा उनके जो डिफरेंस का जो आंसर आएगा ना उसका रेसिप्रोकल होगा 1/10। मुझे नहीं पता कंसिक्यूटिव का मतलब, लिख लो सीक्वेंस में, सीक्वेंस में, सीक्वेंस में, सीक्वेंस कैसे होता है, अरे मेरे को तो दिखाओ कंप्यूटर जी। लो जी लो, सीक्वेंस कैसे होता है बाबू, सीक्वेंस को होता है 14, सीक्वेंस का मतलब 15 16 17 18 19 20, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है जी, जी सर। फिर ये एक ही कंडीशन पूछी हुई, कह रहा है इनका रेसिप्रोकल, ऑप्शन कौन सा रखूं मैं जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए, ए में है मेरा 15 और 16। कहता है इनका डिफरेंस जो आना चाहिए कितना आना चाहिए, 1/240। चलिए मैं सॉल्व करता हूं उसको, 1/15 - 1/16, इन दोनों का पहले तो मल्टीप्लाई करो। सर मैंने एलसीएम लिया कितना, 240, 16 - 15, ये लो, ये तो एक नंबर आपकी जेब में वैसे ही हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अरे वाह, कृति का भी आंसर आ गया आपका, ऋतु का भी आ गया, भावेश टॉप पर चल रहे हैं, राधा उससे भी ज्यादा टॉप पर चल रहे हैं, बहुत बहुत वेरी वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सर आप रोज पकाने आ जाते हो, हम क्या सर करें। एक बार फिर से बता दो ये वाला क्वेश्चन। अरे बेटा कौन खाना बना रहा है पहले तो ये बताओ, कौन सा वाला पूछा है बेटा, यही वाला अभी तो 7 सेवन वाला। अच्छा जन्नत ने पूछा है। चलो बाबू यहाँ जन्नत, यहाँ देखो मैं दोबारा क्वेश्चन से रीड करता हूँ, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा देयर आर टू कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव का नंबर होता है सीक्वेंस में, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो नंबर ठीक है, उनके दोनों का रेसिप्रोकल का डिफरेंस। अब कोई दो नंबर मैंने ले लिए 15 16, कंसेक्यूटिव नंबर है, हाँ सर है। अब इनका मैंने क्या किया, कह रहा इनके रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऐसे लिखते हैं ना, हाँ सर लिखते यस हैं, सर। यस इनके रेसिप्रोकल का बस सॉल्व कर दिया, कह रहा वो 1/40 नॉट आना चाहिए। जीरो। ठीक है जी, चलो मैं चलता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर कितना है अब, 8। लो जी थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। कहता है द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर, डिफरेंस बिटवीन टू अदर साइड कितना है, 4 सेंटीमीटर। चलो सर सबसे पहले हमें बताओ होता क्या है, हाइपोटेनियस क्या होता है। लो जी लो, मैं पहले स्क्रीन पे आता हूँ फिर आपको बताऊंगा क्या होता है। ये बच्चों ने आंसर भी दे दिया है, ये लो जी, ये वाली जो लाइन होती है ना जो सबसे बड़ी होती है, ये होती है हाइपोटेनियस, और इसको क्या है 20 सेंटीमीटर है, और जो कह रहे हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है ना इन दोनों का वो 4 है। देख लेते हैं 4 है 3 है। सबसे पहले तो आपको पाइथागोरस, इसको नाम दे दूं ए बी सी। कहता है ए सी जो का जो स्क्वायर होगा पाइथागोरस, वो ए बी का स्क्वायर
BC का स्क्वायर के बराबर होगा, ये आपने पढ़ा था 10th क्लास में, 9th क्लास में, ठीक है जी। तो वही मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, कहता है 20 और भी कुछ दे रखा है क्या? हाँ सर दे रखा है। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस जो है, मान लो अगर मैं इसको x मानता हूँ, इसको इस वाली को y मानता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस जो है 4 है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम कैसे करेंगे, गो बाय ऑप्शन, ऑप्शन में जाओ, किसी को भी ऑप्शन नंबर, बच्चों ने क्या बताया, बी बताया है क्या? मैं नहीं तो ऑप्शन नंबर ए ट्राई करने वाला हूँ, चलो बी बताया, मैं बी ट्राई कर लेता हूँ, ऑप्शन बी, ठीक है। बी में 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर करो, अगर ये इक्वल आएगा तो हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। चलो जी देखते हैं 400 आता है क्या, 400 12 12 144, 16 का स्क्वायर, ओहो 16 गुना 16 तो 256, 256 प्लस में, लो जी लो ये तो आ रहा है 400 प्लस 400, एक तो ये हो गया, और फिर कह रहे हैं दोनों का डिफरेंस 16 आपने माइनस 12, क्या इनका डिफरेंस 4 आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, बताओ जी कोई दिक्कत? अरे राधा बेटा ध्यान से, ध्यान से, मैं तो भूल जाता हूँ अपना कॉन्सेप्ट, तुम्हारे आंसर देखते ही मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन सा क्वेश्चन कराने वाला था, ठीक है जी। आगे बढ़े, 9th का बच्चे कह रहे हैं, 9th का सी, पहले नंबर दिखाऊं मैं, 9th का सी कौन सा क्वेश्चन है, कहता है द नंबर ऑफ 9th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टू नंबर इज सम ऑफ टू नंबर 45 और उनका प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मीन, उसके ऊपर लिख लो मीन प्रोपोर्शनल, मीन का मतलब क्या होता है अभी हम उसमें देखेंगे, क्या किसमें, अरे सर एक मिनट, मीन का नंबर हम उसमें देखेंगे स्टैटिक्स में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मीन का आप मतलब लिख लो अंडर रूट, ठीक है, कह रहा वो कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। चलो जी मैं आता हूँ आपके सामने स्क्रीन पर, हालांकि हम मीन मोन मीडियम डिटेल में पढ़ेंगे स्टैट्स में, यहाँ पर मीन के ऊपर सिर्फ अंडरलाइन करके लिख लेना अंडर रूट, ठीक है। सबसे पहले बच्चों ने बताया सी, मैं सी रखता हूँ डायरेक्ट, क्वेश्चन कहता है कि दो नंबर का सम x प्लस y कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए, पहली इक्वेशन है जी, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा क्या कहता है, कहता है इनका मीन, अब आप कहोगे सर मल्टीप्लाई कहां से आ गया, मीन का मतलब यही होता है x प्लस y मीन कितना आना चाहिए, 18। चलो मैं रखता हूं उसमें फिगर रखता हूं, कितनी है जी, 9th का सी रखते हैं, 36 प्लस 9 इजिकल टू 45 आता है क्या, 36 प्लस 9, हाँ जी आता है। कहता है इनका मीन, मीन का मतलब बेटा बार बार बता रहा हूं अंडर रूट ले लेना, और मीन का मतलब होता है बीच में गुना, प्रोपोर्शनल मीन, हालांकि इसके बारे में डिटेल में स्टैट्स में बात करूंगा, इसका कितना है, 9 है रूट में ना कि 3। अच्छा, अरे चेक कर रहा था बाबू, चेक कर रहा था मैं तो, पता है फटाफट से आवाज आती है और अच्छा लगता है, ये आ गया 3 सर, ये आ गया 18, ठीक है जी। बोलो जी बोलो, अब कितने क्वेश्चन रह गए, 10 11 12, अरे 3 क्वेश्चन रह गए, उसके बाद नया कॉन्सेप्ट, 10th का ए, राधा वेरी वेरी गुड, विशाखा वेरी गुड, भावेश वेरी गुड, चलिए जी आगे चलते हैं, बाकी बच्चे भी मुझसे आगे आगे चलते रहे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द साइड ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, कह रहा है कोई ट्राइंगल है जिसकी चारों साइड बराबर हैं, और कह रहा है अगर हम उसमें से घटा देंगे, शॉर्टेड कर देंगे 12 यूनिट 13 यूनिट और 14 यूनिट, तो वो राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है सर, ऐसा तो हमको जाना पहचाना है। लो जी लो, एक मिनट, जाना पहचाना सम है सर, ठीक है। कहता है ये है कोई इक्वल, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स में से कह रहा है 12 घटा दो, एक्स में से 13 घटा दो, 14 घटा दो, घटाने के बाद कह रहा है वो करेक्ट एंगल बन जाएगा, करेक्ट एंगल का मतलब रेक्टेंगल, ये हाइपोटेन्यूस वाला, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा 10 का ए। चलो मैं यही रख देता हूँ, 17 माइनस 13 भी नहीं आता सर आपको, 4 17 माइनस 14 3, ठीक है जी।
बिना कैलकुलेशन के। तो देखो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वाली होती है, मतलब 5 का स्क्वायर इजिकल टू, ये मैं आप क्या कर रहे हो सर, बाबू वेरीफाई कर रहा हूँ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, 25 इजिकल टू 16 प्लस 9 आ रहा है जी, ये तो मैच कर गया। ठीक है जी, कोई बढ़िया नहीं था, क्वेश्चन नंबर 11 है बढ़िया। कौन सा बच्चा इसकी मुझे लैंग्वेज बता रहे, राधा ने तो कबाड़ा ही कर दिया, विशाखा राधा विशाखा कबाड़ा, इन द सेंस की समझने का मौका ही नहीं दे रहे हो मेरे को तो समझाने का। चलिए अच्छी बात है, आप आगे आगे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए जी कहता है द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस, कहता है कोई बंदा है उसका वो डिस्ट्रीब्यूटर है किसका, एप्पल जूस की 5000 बोतल का उसका स्टोर में स्टोर है 5000 बोतल, ठीक है। दैट इट वाज विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट इन अ मंथ, मतलब विश करता है कि भैया सारी की सारी बोतल मेरी बिक जाए, कब, इस मंथ में। फ्रॉम द एक्सपीरियंस नो, कह रहा उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से डिमांड आपको दे रखी है, और डिमांड आपको दे रखी है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है क्या, आपने कभी देखा है क्या इकोनॉमिक्स में सर पढ़ाते हैं, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई ऐसे होता है, बोलो ना, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है क्या, कोई नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा, सारे बच्चे सो गए। बताओ जी, देखो डिमांड आपको दे रखी है, कह रहा है मैं बोतल का प्राइस क्या रखूं कि मेरी इन्वेंटरी जो है जीरो हो जाए, खत्म हो जाए, सारी की सारी बिक जाए। तो आपको जो दे रखा है माइनस 2p का स्क्वायर प्लस 2000p, ये आपको डिमांड दे रखे, डिमांड, और डिमांड जो है आपको पता है किसके बराबर होती है, सप्लाई के। बोलो जी, भावे जी आ रहे हैं, आपकी भावना मुझ तक पहुंच चुकी है, 11th का है, चलिए गुड। तो मैं यहाँ पर गो बाय ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए रखने वाला हूँ, अगर मेरा 5000 आ जाएगा ए रखने पर, तो मेरी डिमांड, मैं प्राइस कितना रखूंगा, 3 माइनस 2000 3 है, ए ऑप्शन 3 का स्क्वायर प्लस, एक्चुअली क्या जल्दी जल्दी करने में ना फिर ये होता है बाकी बच्चे पीछे छूट जाते हैं, कहता है यार हमें समझ में नहीं आ रहा, बाकी तो सब दंदन आते हुए करते हुए चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलो जी माइनस का 2000 3 3 9, गलती करूं तो बेटा पकड़ना, क्योंकि मैथ्स में गलतियां होती रहती हैं। इजिकल टू 5000, 9 × 2 = 18 18000 माइनस का प्लस का 6000 प्लस का 17000 23000, क्या आपका प्लस का 5000 आता है क्या, हाँ सर आता है। ठीक है जी, तो आप प्राइस क्या रखो साहब, 3 रखो, तो आपकी डिमांड हो जाएगी, किसी बच्चे को दिक्कत, कृतिका गुड, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद नया कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 12 दिखाओ कंप्यूटर जी, अरे दिखा तो रखा है पहले से ही कंप्यूटर जी ने, कहता था सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं सर, अभी बताएंगे रैशनल नंबर क्या होते हैं। कहता है मल्टीप्लाई कर दो बड़े से तो 70 आना चाहिए, और उनका डिफरेंस जो है, डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो छोटे से तो 12 आना चाहिए, दो इक्वेशन दे दी, देखते हैं। पहली इक्वेशन कहता है सबसे पहले दो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं सर, टेढ़े मेढ़े जो सॉल्व ना कर सके, जल्दी से सॉल्व ना होने वाले टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि रैशनल नंबर मैं आपको बता दूं 16 जो है रैशनल नंबर है, इजीली आपका आ जाएगा 4, 25 का भी निकालोगे अंडर रूट तो आ जाएगा 5, और बताओ सर 9 का भी निकालोगे मैं तो 3 आ जाएगा। तो ये तो होगा रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर का मतलब है कि मतलब टेढ़े मेढ़े नंबर, अभी देखते हैं उनका टेढ़े मेढ़े नंबर आपको दे रखे होंगे, जिनका मतलब अंडर रूट आसानी से ना निकाला जा सके उनको आप रैशनल नंबर दे सकते हैं। विशाखा ने आंसर भेज दिया है, राधा ने भी भेज दिया है, भावेश ने भी भेज दिया है, और ऋतु ने भी भेज दिया है, चलिए वेरी वेरी गुड। कहता है मैं पहले इक्वेशन बना दूं ताकि बच्चों को समझ भी आए, कहता है दो इरेशनल नंबर हैं, ये दो एक्स और वाई नंबर हैं, इनका मल्टीप्लाई किससे, कहता है ये बड़ा है, बड़ा सर बड़ा कैसे लिख रहे हो, बड़ा समझते हो ना, कह रहा बड़े को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 70, और उसके बाद कह रहा इन दोनों का डिफरेंस, ये पहली इक्वेशन हो गई, इन दोनों का डिफरेंस, और आपको बोला है क्वेश्चन में
कि छोटे से मल्टीप्लाई करोगे छोटे से तो आएगा 12। किसी को पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिक्कत है तो बताओ सर दिक्कत कहां से होगी, आंसर दे दी हमने। मयंक पंडित जी क्या बात है, नाराज हो क्या आज? आज आपका एक भी आंसर नहीं आया, ना ही आप कुछ पूछ रहे हो, कैमरा ऑन करो मयंक। जन्नत यस, बाकी बच्चे भी यस का थंब लगा के भेजे ताकि मैं समझ पाऊं कि आपने। नहीं सर नाराज नहीं हूं, तो क्या बात हो गई, तबीयत ठीक नहीं है क्या? कृतिका यस, विशाखा यस, राधा जन्नत का यस, सरबजीत और ऋतु राधा, हालांकि ये बच्चे तो पहले ही आंसर दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर क्या बताया आपने, सी, मैं सी रखता हूं पहले। सबसे पहले एक्स कौन सा है जी, बड़े वाला, ठीक है हाँ सर बड़े वाला एक्स है, और इनका अंडर, देखो अंडर रूट में ना मैं करने में बड़े घबरा सा जाता हूँ, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन तो ये आ गई, कह रहा 17 आना चाहिए, पहले मैं पहली सॉल्व करा दूं, ठीक है ना? ओके बाबू मयंक, भावनाएं पहुंच गई हैं आपकी। सबसे पहले तो देखो, इसको किसी को दिक्कत है कि अंडर रूट में अंडर रूट कैसे प्लस करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, 5 + 2 हो गए 7, और अंडर रूट मैंने ले लिया कॉमन। बोलो जी कोई दिक्कत कोई परेशानी? नो सर, नो सर। ओके अब मैं करने वाला हूँ मल्टीप्लाई, इनमें ना थोड़ा दिक्कत आती है, मल्टीप्लाई इसकी इससे लगाओ और इसकी इससे लगाओ, ठीक है? 7 × 5 = 35 अंडर रूट में 2 × 2, ठीक है जी। उसके बाद ये 1, 2 बाहर निकाल लिया अंडर रूट से, तो ये आ गया 70, पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड। अब मैं बात करने वाला हूँ दूसरी की, ठीक है? मेरे पास छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर है y, मतलब ये, और x मेरा कितना था 5 √-2 √, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलो यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं, पहले अंदर वाले को सॉल्व करो, 5 में से 2 गए 3 और अंडर रूट 2, ठीक है जी। यहां बचा ये, अब इनकी मल्टीप्लाई लगानी है तो इसकी मल्टीप्लाई लगाओ उससे, इसकी मल्टीप्लाई लगाओ उससे, 6 आ गया अंडर रूट में 2 × 2, ठीक है। फिर 6 बाहर है और अंडर रूट से 2 बाहर निकाल लिया तो आ गया 12। हालांकि ये क्वेश्चन भी सेटिस्फाइड, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बाबू पूछो, मैं पानी पी लेता हूँ नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। विशाखा यस, राधा यस, बाबू आपकी 2 कैटेगरी या 2 टाइप्स खत्म हो गए सर, क्लियर है, वेरी वेरी गुड। भावेश, जन्नत, ठीक है, कृतिका, चलो इसी के अब आप कह लो कि कॉन्सेप्ट कह लो या टाइप कह लो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हालांकि चीजें आपको रट भी रही होंगी, इस चीज की भी पूरी गारंटी है, और कुछ नहीं पता कि एज इट इज छपा छपाया क्वेश्चन भी आपके पास आ जाए। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले मैं क्वेश्चन निकालूं आपके सामने, अपने ये वाले क्वेश्चन, कौन से वाले सर, प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सारे बच्चे हो ना, सो गए क्या? यस सर, यस सर, यस सर। किसी का एकदम से रिप्लाई नहीं आता, सब बच्चे सो जाते। चलो मेरे को ये बताओ, आप भी ये बताओ, पहले हार्ड कॉपी किस किसने निकलवा रखी है इसकी बुक की? यही है क्या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन? सर ये होता क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं, क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या? मैं यहां पर T3 लिख रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर जी मुझे भी तो दिखाओ। ओहो दिख रहे हैं, ठीक है जी। अरे स्क्रीन क्यों नहीं चेंज हो रही, ठीक है जी। करें स्टार्ट सर आईसीआई के क्वेश्चन की, सर क्लियर है, ओके। चलिए जी मैं यहां पर इसको टाइप दे दिया मैंने 3, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं भी खोल लेता हूँ, बुक कहाँ है मेरी, ये रही बुक। अच्छा बुक तो मैंने खोली भी है,
ये इसके मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चन कहाँ हैं, फर्स्ट सेकंड वर्ड वर्ड प्रॉब्लम हो गई है, बस इन्हीं को घिसते जाना अब, ठीक है जी। चलो जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहली बात तो होती क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है बताओ जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, हमने पहली क्लास में सीखी थी। बोलो जी, बोलो। टू टू, इसका मतलब इसके आंसर कितने आएंगे, एक्स के आंसर भी कितने आएंगे, दो, ठीक है। चलिए जी, और उसके बाद मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो चलिए सर, कोई फॉर्मूला होता तो बता दीजिए। हाँ जी, मैं कहता हूं कि इसका फॉर्मूला जो होता है एक्स निकालने का माइनस बी, ये आपने पहले कहीं ना कहीं देख रखा होगा, बी का स्क्वायर फोर ए सी अपॉन में टू, ठीक है जी। हाँ सर, ये आपने देख रखा है, तो ये भी एक नंबर गया आपकी जेब में बेटा, पांच नंबर का क्वेश्चन आएगा, और पांच ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप सोचो कि बहुत छोटी सी चीज है, बहुत कंफ्यूजन है, तो आप अपना रिस्क ना खुद मेजर कर सकते हो। अब कोई बच्चा कहेगा सर मुझे वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत हो रही है, तो बेटा एक रिस्क जो है आप पर हमेशा रहेगा। अब आप तो चाहते हो कि मैं छोड़ दूं वो वर्ड प्रॉब्लम, मेरे से नहीं हो रही, क्यों इतना सर खपाए, क्यों इतना दिमाग खपाए, बाबू बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये याद रखना। और ये सीए है, ठीक है, यहाँ पर छोड़ने का मतलब रिस्क बन जाता है, ठीक है ना। हाँ सर, तो चलिए अब आप सर किसको बोल रहे हैं, ए बी सी, किसको बोल रहे हैं, जो भी इक्वेशन में ये वाला हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया हमारा सी, ठीक है जी। चलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर उससे कराऊंगा क्वेश्चन, हालांकि मैंने निकाल लिए हैं क्वेश्चन, पहले आप क्या करें इक्वेशन देखें। क्वेश्चन नंबर वन डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल चीज में है नहीं, चलिए फिर भी मैं कराता हूँ। उसमें दो आंसर आएंगे, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन इजिकल टू जीरो। चलिए जी कंप्यूटर जी, मैंने क्वेश्चन उतार लिया, मुझे दिखाएं, ये आपका क्वेश्चन आ गया श्री धराचार्य बाबू, शुद्ध हिंदी लिख के भेज रहे हो ना, ए बी सी बाबू, ये कितना है पांच, बी कितना है माइनस सिक्स, सी कितना है प्लस वन, हालांकि उसके आगे प्लस नहीं लिखते हैं, माइनस का होगा तो उसके आगे जरूर लिखते हैं। मैंने सर फॉर्मूला क्या बताया था एक्स का, कहता माइनस बी, और इसके दो आंसर निकलेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसमें कुछ करना थोड़ा ना है, बी कितना है आपका, ये रहा बी की जगह मैं बी रख रहा हूं माइनस, ठीक है, प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर माइनस फोर ए कितना है मेरा पांच, और सी कितना है एक, डिवाइडेड बाय टू ए कितना है मेरा पांच। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बच्चे को पहले तो ये बताओ, मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में ए बी सी जो है वही रखा है, ये हुई ना मयंक पंडित, अब बात कुछ समझ आ रही है, अब कैमरा ऑन कर लिया ना बच्चों, यहां तक बताओ मैंने फॉर्मूले में सिर्फ नंबर पुट किए हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अरे आंसर भी भेज दिया बच्चों ने तो। ओके चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, माइनस माइनस प्लस का सिक्स, ये दो बार माइनस है तो सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स आ गया, प्लस का माइनस बीस और दस, ठीक है जी। हाँ सर आंसर भेज दिया बच्चों ने, छ प्लस छत्तीस माइनस बीस तो अंडर रूट में सोलह और दस, हालांकि छ प्लस चार आ गया, एक आंसर तो आएगा प्लस से आपका आ गया दस, ठीक है जी, और एक आंसर आएगा आपका माइनस से, ये मैंने छ में प्लस लगाई चार तो आ गया दस, ठीक है, और अपॉन में तो दस है ही तो ये आ गया एक, एक आंसर आ गया आपका एक। और दूसरा मैं सॉल्व करता हूं कैसे, सिक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाय दस, सिक्स ही आएगा ना, तो कितना आएगा इधर टू, टेन, टू वन जा टू, टू फाइव जा टेन, और एक आपकी क्या आ गई, अरे ये हमारा माइनस में आएगा बेटा, ओहो क्या माइनस में कहां दिक्कत हो गई, माइनस का वन दिखा रहे हो आप, लेकिन इनका ठीक तो है, माइनस का कहां रहा है,
प्लस का ही आ रहा है भाई। यहाँ पे जो 6 में आपने मतलब 36 जो आया है वहाँ पे डबल माइनस क्यों आया? 36 कहाँ है बाबू? ये डबल माइनस ये वाला या ये वाला कह रहे हो ना? नहीं ये वाला, हाँ ये वाला। ये बाबू माइनस इसके साथ है, बी है, बी माइनस। हाँ तो एक ही था। 36 प्लस का हो गया ना बाबू, 6 माइनस 6 इंटू माइनस 6 की गुणा लगाओ 36 आ जाएगा। हाँ ठीक है, फिर यहाँ पे डबल डबल माइनस को बोलना सर। वो सर वो उसे कह रही है आपने गलती से लिखा। अच्छा अच्छा गलती से, ठीक है बाबू ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, कोई बात नहीं। अरे बहुत क्वेश्चन है भाई, अभी तो बहुत क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है जी। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 37 दिख रहा है क्या सर? थोड़ा ऊपर कर दो। कहता रूट्स क्या है इनके, रूट्स ऑफ, कह रहा रूट्स का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आंसर सोल्यूशन। सर एक बार फिर से दिखा दो क्वेश्चन, कौन सा माइनस में आया? ये रहा बाबू, माइनस में नहीं आया बेटा, वो बाय मिस्टेक हो रहा था। ये लो माइनस में नहीं आया, कहो तो दोबारा सॉल्व कर दूं इसको। नहीं आ तो गया समझ में, पर आपने बोला ना माइनस में हो गया मेरा, वो रखा। ठीक है बाबू, ठीक। चलिए बाबू क्वेश्चन की मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ। अरे टेंशन मत लो, बहुत क्वेश्चन करने हैं हमें। 3 2 की स्क्वायर माइनस 2x, बस ये ध्यान रखना थोड़ा, मैं क्वेश्चन उतारने में ना कई बार गड़बड़ कर देता हूँ, बस उसका थोड़ा सा ध्यान रखना ताकि आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। मैंने ये क्वेश्चन उतार ली है, ये बस 3x की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, मैं सबसे पहले इनको ए बी सी करूंगा। ए कितना है मेरा 3, बी कितना है माइनस 2, सी कितना है माइनस 5। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, कहता है बी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी इंटू में 2a, ठीक है। अब मैं बस क्या कर रहा हूँ, चीजें पुट करता हुआ जा रहा हूँ, बस दो आंसर निकल जाएंगे। पहले बी का स्क्वायर मेरा माइनस 2 है, ठीक है, ब्रैकेट बंद, बी ये रहा मेरा माइनस का 4, ए कितना है 3 और माइनस 5। बताना बाबू गड़बड़ करूं तो 2 इंटू 3, ठीक है जी। हाँ सर बच्चों ने आंसर दे दिया है, ये तो बाबू आपका आ गया 2 आ गया, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस ये आपका हो गया 4, प्लस का 4 आ गया, माइनस और माइनस ये एक ये वाला माइनस एक ये वाला माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 60 और नीचे क्या बचा बच्चों 6, ठीक है जी। हाँ सर 6 बचा, प्लस माइनस ये आ गया आपका 64, नीचे 2, 64 का अंडर रूट कितना निकलेगा 8, तो ए पहले प्लस से निकाल देते हैं, नीचे 6 ही है, 8 प्लस 2, तो ये आ गया 10, 6, तो ये कितना आएगा 5 अपॉन में 3, 2 से काट दिया, ठीक है जी। उसके बाद माइनस से भी निकालो, 2 माइनस 8 अपॉन में 6, तो ये माइनस का 6 आ गया और ये नीचे भी 6 आ गया, 6 से 6 कट गया तो माइनस का 1 आ गया। तो देखो ऑप्शन कौन से मैच कर रहे हैं, दोनों ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा बच्चों ने भेज दिया, सरबजीत गुड, रितु गुड, कृतिका वेरी वेरी गुड, रितु गुड, मयंक पंडित वेरी वेरी गुड, बहुत पहले ही बच्चे आंसर दे गए थे, मैं तो बहुत आराम आराम से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है इफ वंस रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट का मतलब मैंने क्या बताया था सर, आपने बताया था आंसर, आपने बताया था सोल्यूशन। कह रहा है कौन सी इक्वेशन का सोल्यूशन है, चलो जी देखते हैं कौन सी इक्वेशन का सोल्यूशन है जी, कौन सी भैया, कोई भी चारों में से कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर लो जिसका आंसर आए, क्या ये आंसर दे रखा 2 प्लस अंडर रूट 5, तो वही उसकी इक्वेशन हो जाएगी। कौन सा सॉल्व करूं बताओ, बताओ बच्चों, 3 सॉल्व करो। अच्छा ये आंसर भेज रहे हो भावेश, इक्वेशन नंबर बोलो ए बी सी कौन सी सॉल्व करूं ताकि मेरा आंसर ये है, ए करूं क्या पहले, चलो मैं ए सॉल्व करता हूं, मगर सो मत जाना, मेरे को पता है 2:30 बजने वाला है
और बेटा मेरे को बड़ा गुस्सा सा आता है कई बार, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ आपको, ढाई बजते ही ना आपके सबके कैमरे बंद होने लगते हैं। इस तरह से करोगे तो बाबू सिलेबस कैसे खत्म होगा बताओ, इतनी धीमी स्पीड पे। एक तो आपको मैंने ऐसी नालायक बना दिया, मतलब इतना आलसी आपको मैंने बना दिया कि आपके एक तो 3 दिन क्लास कर दी ताकि बच्चे आराम आराम से कर पाए, उसमें भी ढाई बजते जैसे कि 2:25, 2:20 होने लगते हैं तो बच्चे कैमरा बंद कर देते हैं। ठीक है, चलो बच्चा कह रहा है भावेश सी, सी में सॉल्व, सी सॉल्व करता हूं पहले, देखते हैं भावेश जी। एक्स की 2 + 4x + 1 इजिकल टू 0, ए बी सी, ये मेरा 1 है, कुछ नहीं होता तो वैल्यू 1 मानते हैं। ठीक है सर, ये मेरा प्लस का 4 है, ये मेरा 1, बस कुछ मत करो, फॉर्मूला पुट कर दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, ये आपका माइनस का 4 आएगा बाद में, अभी नहीं, माइनस 4a/c और 2a, आपका आंसर आपको दे रखा है ये आना चाहिए 2 + √5, तो ये तो मेरा आ गया माइनस का 4 और ये आ गया 16, ये आ गया 4, ये आ गया 2 × 1, तो बाबू माइनस का 4, ये आ गया 12 और ये आ गया 2। अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते, अगर मैं सॉल्व करूं, हालांकि मैं इतना ही छोड़ देता हूं अभी के लिए, हालांकि आगे भी सॉल्व हो सकता है बट वो मुझे थोड़ा सा बताना है आपको। तो इसका मतलब बाबू ये तो कहीं दूर दूर तक नहीं लग रही, आपने आंसर भेजा था कौन सा भावेश, सी भेजा था बाबू, मैंने सी पुट कर दी। ठीक है, विशाखा सी, बाबू सारे सी कह रहे हो, क्या चक्कर क्या है, मतलब मैं समझ गया आप सॉल्व नहीं करते हो, आप एक दूसरे के आंसर देख के भेज देते हो। आज सॉल्व किया है, सॉल्व किया तो फिर आंसर कैसे आ रहा, मेरा क्यों नहीं आ रहा, इससे आगे भी करूँ क्या सॉल्व, हमारी दोनों माइनस में आ रही है तो आंसर गलत होगा ना आपका। आप चलो मैं काम करता हूँ, मैं बी सॉल्व करूँ क्या, है इजाजत आपकी, ये तो गलत, एक बार हमने भेजा एक बार वो देखना गलत है सही बाबू, ये आपका 4x, अच्छा ये इक्वेशन भेजिए तो ये तो सही है बाबू, ये सही होगी आपने भेजी, आंसर मैच करना चाहिए ना मेन, अभी सही गलत मेरे को भी नहीं पता क्या है। ठीक है, बस मैं तो कह रहा हूँ आंसर सॉल्व करूंगा तो मेरा 2 + √ आना चाहिए। चलो चलिए जी, ए बी सी, ए माइनस 4 - 1, सर बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है जी, 2-4 बच्चे ही हैं जो जागते रहते हैं, माइनस माइनस 4 + −4² - 4a कितना है 1, c कितना है -1 और 2a। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया 16, 4 × 4 = 60, माइनस माइनस और माइनस प्लस हो गया बेटा जी 4/2, मैं जरा पन्ना पलट लूं, ठीक है ना, ये मैंने पन्ना पलटा, क्या क्या मिनट पीछे करो, ओके ओके डोंट टेक टेंशन, ये लो जी, बाबू ये एक्सरसाइज आज ही खत्म हो जाएगी, ये एक्सरसाइज आज ही खत्म हो जाएगी, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा आलस मत मचाना, कि आलस इसलिए आएगा क्योंकि कैमरे बंद कर दोगे ना, फिर थोड़ा सा लगता है कि यार बच्चों को मजा नहीं आ रहा। 4 + −√ में कितना बचा था, ये लो जी 4 + कितना आएगा बाबू, ये 20, हाँ सर 20 ही आएगा, और 2, कहीं गड़बड़ करी है क्या हमने, देखना एक बार, 16 + −4ac, बताओ कहीं गड़बड़ कर रखी है क्या, नहीं सर कोई गड़बड़ नहीं, आपका भी यही। अब देखो यहाँ पर आके कहानी रुक जाती है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगा, मुझे ये बताओ जब इसको मैं कहता हूँ घर अंडर रूट में है, अंडर रूट बाहर आके कितना सिंगल आएगा, कितना आ जाता है, बोलो, बोलते नहीं हूँ, अरे बोलो बेटा कहाँ गए, जवाब तो दो, अगर ये अपने
अपने घर में रहता है तो बाहर आके सिंगल आएगा ना, बोलो आके ना। अगर मुझे ये दो इस घर में घुसाना है तो डबल होके घुसेगा या नहीं घुसेगा पहले ये बताओ। तो फोर प्लस अंडर रूट में मैंने घर में डाल दिया इसको, 20 प्लस में 4। किसी बच्चे को दिक्कत है सर चार कैसे आया ये, चार मतलब 2 into 2। अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट में 4 लेता हूँ तो अगर ये बाहर आएगा तो 2 बन के आएगा। अगर मैं इसको उल्टा ही लिखूं, अंदर इसको ले जाना हो घर के अंडर रूट के अंदर ले जाना, तो 4 आएगा या नहीं आएगा। सर ए वाला ऑप्शन पुट कर दीजिए बाबू, अभी ए बी ऑप्शन सॉल्व करूंगा, डोंट टेक टेंशन, अभी करूंगा बाबू, ए बी करूंगा। किसने पूछा ये, भावेश ने, वो भी करता हूं। अच्छा ये आ गया, हाँ सर आ गया। अब मुझे ये बताओ 4 प्लस, पहले एक मिनट में वही स्टेप लेता हूँ, ये मेरा 2 है। अब मेरे को पावर निकालनी है, 2 का मतलब कैसे, इसके नीचे या इसके भी नीचे, आप बताओ 2 का मतलब क्या है, सिर्फ इसके नीचे है या इसके भी नीचे है। सर दोनों के नीचे है, दोनों के नीचे। देखो एक बार मैं दिखा भी देता हूँ, देखो दोनों के नीचे है, ठीक है जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों से भाग कर रहा हूँ, ये मैं आ गया, ये मैंने 2 से 2, ये तो मेरा आ गया 2। और मैंने बोला था जब ये 2 अंदर घुसेगा इसके तो सर डबल होके घुसेगा, डबल मतलब 4 होके घुसेगा। तो एक बार करके देखो कितना आता है, सर 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एक मिनट 5 आ गया जी। तो आ गए 2 और यहाँ पर ये भी है नीचे 5, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब आप आवेश कह रहे थे एक बार ये भी सॉल्व कर दूं, बोलो जरूरत है एक सॉल्व करने की, बोलो भावेश। यस कह रहे हो, नो कह रहे हो बाबू, ओके। चलिए एक बार भावेश की डिमांड है कि सर एक बार ए बी सॉल्व कर दीजिए, चलिए मैं कर देता हूँ, एक बार ए बी सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता, बस तो बहाने ढूंढा करो पढ़ने के। क्वेश्चन नंबर 38, और मैं बता दूं इससे जो अगला क्वेश्चन है ना, अगर आपके पास पीडीएफ है या हार्ड कॉपी है, एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए बेटा बिल्कुल भी आलसपना मत फैलाना, ढाई बज चुका है, ठीक है। चलो जी मैं एक बार भावेश जी के लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस सॉरी 4x माइनस दिस, ठीक है जी। चलिए जी देखते हैं एक बार, a b c फॉर्मूला, b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है जी। माइनस का 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस 4, ये मेरा 1 है, माइनस 1 है, 2 into 1, ठीक है जी। चलिए माइनस का 4 है, ये आ गया आपका 16, ये आ गया आपका कितना आएगा 4 प्लस का, ये आपका आ गया 2, ठीक है जी। अब इसको आपने वही 20 ले लिया और ये आपका माइनस 4 चल ही रहा है, और अपॉन में आप 2 लगा दो और इसके भी 2 लगा दो। तो चलो इसको मैं 2 से करूँ तो माइनस का 2 आ गया प्लस, और अगर इसको मैं अंदर लेके जाऊंगा तो डबल होके जाना पड़ेगा, तो ये आ गया 20 into 4। तो बाबू आंसर आपका ये आएगा, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, जो कि हमारा जो 2 है वो कह रहा है जी प्लस का होना चाहिए। कृतिका ने हालांकि आंसर दे दिया है, सर माइनस 4x है बाबू, माइनस 4x कैसे है, प्लस का 4x है, ऑप्शन नंबर ए में प्लस का 4x है बेटा, माइनस का 4, आपके उसमें बुक में माइनस का 4 आ रहा है। रुको मैं एक बार स्क्रीन पे लेके आता हूँ क्वेश्चन, लो बाबू देख लो क्वेश्चन नंबर 38, ए ऑप्शन प्लस का है, नीचे बी ऑप्शन माइनस का है, तो हमारा ऑप्शन जो है बी से मैच करेगा, माइनस 4x से, ठीक है जी। बोल दो बाबू, बोल दो कुछ तो बोलो, ओके। चलिए मुझे तो क्वेश्चन ही दिखाना था, एक मिनट में क्वेश्चन दिखा देता हूँ। वैल्यू ऑफ 4x, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है 39, और घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं सोचो कि सर ये तो हमने पहली बार देखा है। अगर आप अपने पे आ जाओ तो भला कोई आपका मुकाबला कर सकता है क्या, कहते हैं ना बेटा अपनी पे आ गया तो
तो वही मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन क्या चीज है। चलो जी देखो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, कहता है ये प्लस ये फिर ये अंडर रूट, ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक कैसे चलता रहेगा, इसके अपॉन में फोर प्लस वन फिर वही फोर प्लस वन, ये चलता रहेगा कहां था इन्फिनिटी तक। कह रहा इसका मतलब बता दो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए ना सबसे पहले तो सारी चीजों को मानो एक्स, आपको क्या निकालना है एक्स, ठीक है। अरे राधा बेटा सॉल्व तो करने दो मुझे, हालांकि राधा ने आंसर बता दिया है बट बच्चे वो आंसर जो भी है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स निकालेंगे और इसमें जो जो रिपीटेड है, रिपीटेड क्या रिपीट, उसको आप ले लीजिए, ठीक है। इसको इन्फिनिटी को कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना, गंदा सा आ रहा है। चलिए आपने जो जो रिपीट है, फोर रिपीट है आंसर इज यस, प्लस भी रिपीट है आंसर इज यस, वन भी रिपीट है आंसर इज यस, और अपॉन भी रिपीट है। चार चीजें मैंने यहां पर रिपीट वाली लिखी, एक दो तीन और चार। मैं बाबू ये मान के चल रहा हूं कि आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्स माना और जो जो चीजें रिपीट हैं, एक दो तीन चार, चार चीजें रिपीट है उनको लिख लिया। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? और जो मुझे आगे का निकालना है ये इन्फिनिटी, उसको फिर मैंने क्या मान लिया एक्स। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अब मैं क्या करूं, एक्स एलसीएम लिया फोर एक्स प्लस वन, ठीक है हाँ सर। अब उसके बाद एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन अपॉन में, इसकी मल्टीप्लाई इसमें लगाई तो एक्स स्क्वायर। बोलो जी बोलो, अब ये तो आपका वही फेवरेट क्वेश्चन बन गया। अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा और ये। बोलो जी बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत इक्वेशन बनाने में? अरे वाह विशाखा, वेरी वेरी गुड, विशाखा ने आंसर भेज दिया है, ए बी सी वन माइनस फोर माइनस वन। लगाओ जी फॉर्मूला, बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, ठीक है जी, माइनस माइनस दिस, उसके बाद माइनस का फोर का स्क्वायर फोर दे रखा है, ए मेरा वन है सी मेरा वन है, ठीक है जी, और टू ए एक लगा दे, ठीक है जी। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ माइनस माइनस प्लस का चार सोलह, माइनस माइनस प्लस टू, वही सेम फंडा, फोर का प्लस बीस यहाँ पर दो। अब मैं दोनों को दोनों से भाग कर रहा हूँ, चार को भी दो से भाग कर रहा हूँ और इसको अंदर लेके जा रहे हैं तो ये आ गया चार, वही जो पहले क्वेश्चन में किया था सर। आ राधा आ गया सही, सर गलती हो गए थे, अच्छा कोई बात नहीं। टू, छोटे छोटे शहरों में बाबू बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। ये देखो कौन सा आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी बताया था रितु ने, राधा ने पहले हालांकि गलत बता दिया, कोई बात नहीं चलता है, ठीक है, बट पेपर में बाबू थोड़ा सा अलर्ट रहना, ठीक है। चलिए जी मैं आगे लेके चलू आपको एक क्वेश्चन और। दिल्ली अभी दूर है, कितने दूर है 43 तक। लो जी लो क्वेश्चन 4040 4040 4040, कहता वैल्यू ऑफ, ये तो वही है क्वेश्चन नंबर 4040, कहता वैल्यू 2 प्लस 1 अपॉन में फिर जो भी है इन्फिनिटी तक चलता रहेगा वो इन्फिनिटी। करो बेटा सब सो गए, नहीं भावेश जी जाग रहे हैं। लो जी लो, मैंने कहा सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्या मानो एक्स निकालना जी, और फिर वो चीजें लिख दो जो रिपीटेड है, टू रिपीट है, वन रिपीट है, अंडर रूट भी रिपीट है, और बाकी इन्फिनिटी के आगे क्या रखो एक्स। सर रख दिया, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद एक्स एज इट इज रखा, ये आपने एलसीएम लिया 2x प्लस 1, फिर इसको फिर सॉल्व कर दिया, x का स्क्वायर माइन इज इक्वल टू 2 प्लस 1, बस इसको अभी इस साइड में लिया है, राइट लेफ्ट एंड राइट में, सॉरी राइट है ना, राइट है लेफ्ट है, अरे सर लाइफ लेफ्ट राइट में क्यों फंसा रहे हो मैं, ठीक है जी।
ए बी सी, वन टू एक्स, एक्स मत लिखो, ये लिखो माइनस बी, बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बाहर माइनस का टू, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का टू माइनस फोर ए टू ए। ठीक है जी सर, एक बार क्वेश्चंस के आंसर्स ऑप्शंस दिखा दीजिए। ऑप्शंस, ओके लो बच्चों ऑप्शन भी देखो, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। मैं तब तक कैलकुलेशन करता हूँ। प्लस का दो आ गया, प्लस का चार आ गया, माइनस माइनस फिर प्लस का चार आ गया, फिर दो आ गया। अच्छा आंसर दे रहे थे रितु, वेरी वेरी गुड। तो बाबू कितना आ जाएगा ये दो? मेरी गलती हो तो बताना, क्योंकि कैलकुलेशन में अक्सर ये चार और चार आठ, ठीक है, और इसके अपॉन में दो। यही सॉल्व कर देता हूँ, सॉल्व करते हैं जी, करते हैं, करो जी सॉल्व। चलो आगे ही कर लेते हैं, आगे ही कर लेते हैं। मेरा क्या क्या बचा था? टू आठ टू, चलो जी डिवाइड कर दो। यहां टू से टू डिवाइड होगा, और ये मैंने कहा था अंदर घुसेगा तो डबल होकर घुसेगा। दो की जगह क्या लिख दिया मैंने? चार, डबल कर दिया। फिर उसके बाद वन प्लस, ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन चेक करें, टू टू वन, ऑप्शन क्या हो गया बाबू? ए। सर एक बार पीछे का दिखा दीजिए। हाँ जी पीछे जगह देख लो, लो बाबू ये रहा, ये रहा फुल दिखा दीजिए जितना मैंने कर लिया बाबू। यहां से क्वेश्चन था ये, यहां से क्वेश्चन था टू प्लस वन, यहां तक का मेरा हो गया, हो गया। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। बस मैंने क्या किया, इसको इसको ये बना दी मैंने इक्वेशन ए बी सी, बस फिर फॉर्मूला पुट करता चला गया। माइनस टू प्लस का टू आ गया, फोर आ गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, हो गया हो गया हो गया। अब बताओ मुझे यहाँ तक नींद आ रही है क्या बच्चों को? आगे बढ़ूं या फिनिश करूं क्लास, ये बताओ पहले। अभी क्वेश्चन है मेरे पास 43 41 42 43 44, तो नहीं है एक आपका ऐसे का क्वेश्चन कराऊंगा। बोलो जी जल्दी से, करवा दीजिए सर, करवा दीजिए। कृतिका, बाकी बच्चे सर करा दीजिए, राधा और भी बच्चे। बाकी बच्चे बेटा ना हामे ना नामे, ऐसा जुलुम करते हो ना मेरे पे। विशाखा यस, करा दो सर मयंक पंडित। चलिए तीन बच्चों के आगे, एक बच्चा कोई और बोलो यस है या नो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यस सर करा दीजिए। ओके चलिए जी आगे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सर ये कैसे आ गया? कर अंडर रूट प्लस अंडर रूट प्लस अंडर रूट इंफिनिटी तक, मैं भी उतारता हूं। सिक्स प्लस अंडर रूट, फिर सिक्स प्लस अंडर रूट, फिर सिक्स प्लस अंडर रूट इंफिनिटी तक चलता रहेगा। लो जी अब की बार तो मैंने भी उतार लिया क्वेश्चन। ठीक है जी करें बेटा जी। हालांकि बेटा कुछ बच्चे भाग गए हैं अभी, कोई कौन सा बच्चा गायब हुआ अभी? चलिए जो मर्जी। देखो जी मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको। भावेश कोई बात नहीं, एक्स क्या हुआ है, मैंने एक्स निकालना है। मैंने कहा एक्स लिख लो और जो जो चीजें रिपीटेड है उसको लिख लो। रिपीट क्या है? अंडर रूट एक, रिपीट क्या है? सिक्स, रिपीट क्या है? तीन, उसके बाद तो कोई रिपीट नहीं है। चलो जी अंडर रूट लिखा, सिक्स लिखा, और उसके बाद जो जो चीजें हैं इन्फिनिटी उसको क्या माना? एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ये अंडर रूट है, अंडर रूट हटा के इधर को रूट में ले गए, सिक्स प्लस एक्स। देखो फिर आप कितना आसान क्वेश्चन हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको मैंने
कुछ नहीं किया, बस इधर ले गया दोनों को, ठीक है जी। अरे भावे जी कहाँ चले गए? सर मेरे को क्लास ले लीव करनी पड़ेगी, मेरे ब्लूटूथ की बैटरी डाउन हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, क्या नाम है कृतिका, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख लो वैसे भी एक या दो ही क्वेश्चन है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बट कोई बात नहीं कर लेते हैं यार। ए बी सी वन माइनस, अच्छा कि आपने बता दिया, वरना मुझे तो ऐसे लग रहा था कि सर आप कैमरे से बातें करते हो। लो जीरो माइनस माइनस वन, वैल्यू पुट करो, माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस एक माइनस सिक्स, ठीक है जी। सर दिख नहीं रहा, ये लो अब देख लो, ठीक है जी, ये रहा, सॉल्व करो जी। प्लस का वन आ गया, इसको निकाला तो वन आया, माइनस माइनस चौबीस, और अपॉन में कितना था, टू ए, टू ए का मतलब टू ही है, ठीक है जी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही पकड़े हैं विशाखा। चलो जी मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। क्या क्या था मैं तो ना भूल गया, वन प्लस अंडर रूट में पच्चीस और नीचे दो, ठीक है। चलो जी करो, मैं एक को भी दो से डिवाइड कर रहा हूं, प्लस अब ये वाला दो जब नीचे जाए अंदर घुसेगा तो कितना बन के घुसेगा? सर चार बन के घुसेगा। मैं करता हूँ वन डिवाइडेड बाई, क्या कह रहे हो, एक मिनट बच्चों, अच्छा 26, अच्छा अच्छा 24 होगा ये, ठीक है बाबू 24 होगा ये, बाय मिस्टेक हो गया, 6 चौक 24 ही होता ना प्लस का, 1 प्लस 24, मैंने बाय मिस्टेक लिया था यहाँ 25, ठीक है जी। बोलो बच्चों। यस सर। ओके यस सर। अब ये 25 आ गया इधर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने इसको एक को डिवाइड, कोई दिक्कत है बाबू? सर ये रूट खोलने लेंगे 5 नहीं आ जाएगा? अच्छा रूट खोल लो, मेरे को आदत पड़ी हुई है ना वही गंदी वाली, रूट खोल लो तो आपका 5 आ गया, नीचे फिर 2 ही है, वैसे चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो आंसर विल बी सेम, ठीक है जी। 5 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.5 और आंसर होना चाहिए 3, ठीक है जी। अगर ये आप ऐसे ना करो, रुको फिर बच्चों गलत फहमी ना हो जाए ना, ओहो आंसर ना ये आप, ये मैं काट रहा हूँ ठीक है, ये मैंने काट दिया, इसके बाद सीधा ये वाला स्टेप देखो आप, ये अंडर रूट से बाहर आ गया 5 डिवाइड 2 है ही, और ये सर कैसे आ गया 1/2, ठीक है ना, ये देखो काटा पीटी करनी पड़ती है, रुको मैं दोबारा से कर देता हूँ, ठीक है जी। ये इस तरीके से क्वेश्चन था, यहाँ से यहाँ पर लिखो 1/2, ये आप कह रहे हो बाहर आ गया सर, तो 5 बाहर आ गया डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। इसको डिवाइड करूंगा, एक को डिवाइड करूंगा तो 0.5, इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 3, ठीक है जी। और हिम्मत है बर्दाश्त करने की सर क्वेश्चन की? दोबारा समझा दीजिए भावेश। लो बच्चों दोबारा समझा देता हूं बाबू, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या था, मैंने कहा था कि जो जो चीज रिपीट, जो निकालना है उसको एक्स मानो, और जो जो चीज रिपीट है, रिपीट क्या है 1 अंडर रूट, रिपीट क्या है 6, रिपीट क्या है प्लस, बाकी को क्या मानो एक्स। देखो जी जो रिपीट है, रिपीट 1, रिपीट नंबर 2, रिपीट नंबर 3, और जो निकालना है उसको आप मानो एक्स, अंडर रूट है प्लस भी है, और जो निकालना है उसको भी क्या मानो इंफिनिटी एक्स, बस को हटा दो, इधर एक्स रूट में चला गया 6 प्लस एक्स। अब इन दोनों को इधर ले जाओ, इधर ले गए तो माइनस का एक्स माइनस का 6, तब तो आप कर ही लोगे, कराने का फिर से पूरा 42 का भी नहीं सर,
चलो फिर एक काम करता हूँ, मैं भी यहीं पे छोड़ता हूँ क्लास, दो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? या आप होमवर्क में कर लेना 42, 43, ठीक है ना? हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, क्योंकि ना फिर मजा नहीं आता, बच्चों के कैमरे बंद हो जाते हैं ना 2-2:30 बजे के आपको बाद। भी नींद आ रही है? हाँ, मेरे को भी, मेरा पानी भी खत्म हो गया ना। एक्चुअली क्या होता है ना, शुरू से लेकर शाम तक यही चलता रहता। ये तो बाबू गलत बात बोल दी आपने, बाकी बच्चे बैकअप में देखेंगे तो कहेंगे सर को तो नींद आ रही है, इसीलिए। एक्चुअली सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, फिर भी नींद आ रही है, पता नहीं क्यों, 9 बजे उठता हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? पूरा चैप्टर ऐसे ही निकल जाएगा हंसते हंसते, कोई उसमें विशाखा यस राधा यस, बिल्कुल टेंशन मत लेना। टेंशन देने के लिए आए हो या लेने के लिए? अब कुछ बच्चे कहेंगे मैं, हम तो टेंशन लेने के लिए, तो बेटा लेते रहो टेंशन, क्या दिक्कत है, ठीक है ना? यस भावेश यस, चलिए मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। एक बार ये खत्म हो जाए फिर स्टार्ट करेंगे, और जैसा मैंने आपको बोला है, क्या बोला है, टेंशन रहते, पता नहीं क्या लिखा रहा था, टेंशन रहते नहीं है मैथ्स में। अच्छा टेंशन रहती नहीं है मैथ्स में, बाबू मैं रहने भी नहीं दूंगा, फिर मेरे टीचर का होने का क्या फायदा अगर मेरे बच्चे भी मैथ्स में परेशान होने लगे, सर पकड़ के बैठने लगे, हाय रे ये मैथ्स क्या होगा इस टेंशन का, ठीक है? फिर मेरा क्या फायदा पढ़ाने का। चलो बाबू यहीं रखता हूँ, मुझे भी फिर नींद आ रही है, आराम से देखेंगे, कुछ चाय वाय पियेंगे, सुस्ती भगाएंगे। आप लोगों को भी अच्छा नींद आया करे ना, तो कॉफी चाय पीते रहा करो, और सबसे बढ़िया सिर्फ सेब चीकू संतरे रखा करो अपने पास, खाना कम खाया करो, सेब चीकू संतरे ज्यादा खाया करो, उससे क्या होगा आपको जल्दी से नींद नहीं आएगी। खाना भी खाना है तो टुकड़ों में खाओ, ये नहीं कि एक बार में 4-5 चपाती ठूस के बैठ गए और बस, फिर तो कब नींद आएगी पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो ऐसा कभी मत करना, क्वेश्चन यही करना, अगर फ्रूट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो खाना भी खाना टुकड़ों में, एक चपाती खा ली फिर 2 घंटे बाद फिर दोबारा खा ली, फिर दो, इससे होगा क्या आपको सुस्ती नहीं आएगी। एक तो किताब देख के वैसी सुस्ती आती है, और पढ़ाते टाइम या पढ़ते टाइम नींद आए तो हो गया काम, ठीक है ना? अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, बिल्कुल भी, और परेशान नहीं होना है, अरे हमारा तो अभी एग्जाम मई में है, ठीक है ना? एक बार सिलेबस खत्म कर लो, फिर इसको छोटे में समराइज में कैसे करते हैं वो मैं चीजें बताऊंगा, कि भैया इसको सिलेबस को रिवाइज कैसे करते हैं। कम से कम 50% क्वेश्चन तो मैं कटवा दूंगा, जो होंगे ना बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे वो तो वैसे ही कट जाएंगे, जो मैं कहूंगा कि भाई मान लो एक पैटर्न पे पूरी एक्सरसाइज दे रखी है आईसीआई में, अब उसको सॉल्व करने का आपने वो देख लिया है, मतलब मैं भी सॉल्व करा रहा हूँ आप खुद भी करो, आपने पैटर्न देख लिया, जैसे कि पैटर्न आप 1 देख लो, इसका इक्वेशन का पैटर्न आप 1 देख लो, और 1 में आपने देख लिया भाई इसके लेफ्ट राइट करके आंसर निकल जाएगा, तो उसका 1 या 2 ही क्वेश्चन करना है बस, जो थोड़े से टेक्निकल लगे, बाकी थोड़ा ना करना, उसमें टेन थोड़े लगाए, टेंशन लेने का नहीं और टेंशन देने का नहीं। सर आपका डायलॉग, अच्छा मेरा डायलॉग बोल रहे हो, चलो अच्छी बात है, बट मैं तो कह रहा हूँ टेंशन दिया करो यार, दिया करो, क्योंकि टेंशन दोगे तभी तो हम काम करेंगे ना। अपॉर्चुनिटी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत हो गई, क्या एग्जाम्पल ठीक नहीं है? हालांकि वो जो बुक डिजाइन कर रखी है वो बहुत ही सोच समझ के डिजाइन कर रखी है, बट क्या करते हैं ना, हम तो टाइप करने के लिए दे देते हैं, अब वो नालायक टाइपिंग वाले आंख बंद करके तो टाइप करते हैं, रड़ा 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 रड़ा, बस उनको क्या टाइप हो रहा है, बातें इधर कर रहे हैं टाइप उधर कर रहे हैं, अब 2 की जगह कब 4 दब गया उसको खुद नहीं पता, और बाद में टीचर फंस जाता है, अब टीचर कैसे फंस जाएगा, टीचर को लगेगा अरे यार क्या दिक्कत चल रही है। चलो आपकी अगली क्लास भी होगी, मैं यहीं पर क्लास छोड़ता हूँ, ज्यादा नहीं बोर करूंगा आपको, ऑल द बेस्ट बेटा, टेक केयर, गुड बाय। 2 या 3 क्वेश्चन रह गए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नया कॉन्सेप्ट कराऊंगा, और आपके आईसीआई के मॉड्यूल में इस टाइप का सिर्फ 1 क्वेश्चन दे रखा है, और वो आप पहले ही कवर कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं तो कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल मैं डेफिनेटली कराऊंगा, आप हालांकि करके बैठोगे तो अच्छी बात है, बट मैं कराने के बाद आपको नए कॉन्सेप्ट पे लेके चलूंगा। ओके बाबू, बाय, गुड आफ्टरनून भावेश, बाय बाय एवरी वन, ठीक है जी? अच्छा।